यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने फिजिक्स में अपने जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, और हमने अब तक एक समझ जाते कि जनरली डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, क्यों यूज़ करते हैं। एक फंक्शन जो है, फंक्शन मतलब अगर एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, मतलब अगर वाई जो है वो एक्स का कोई फंक्शन है, मतलब कि एक्स पे डिपेंड है, वाई की जो वैल्यू है, वाई क्या है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, डिपेंड्स ऑन एक्स मतलब वाई की जो वैल्यू है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो वाई एक्स का फंक्शन है। और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ये था हमारा डिफरेंशिएशन का। और हमने एक्स की पावर वन के लिए, मतलब अगर था, अगर ये एफ एक्स जो होता है, अगर हम ये लिखें, ये हमारे एग्जाम्पल में था कि वाई इक्वल्स, एग्जाम्पल था हमारा कि वाई इक्वल्स एफ एक्स को अगर हम क्या लिख दें, एक्स कर दें, सिंपली एक्स कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन निकालने मतलब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। और डिफरेंशिएशन का हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था वन, मतलब आप एक्स में जितना चेंज करेंगे उतना ही चेंज आपका वाई में आ जाएगा, जितना चेंज आपका एक्स में आएगा उतना ही चेंज आपका वाई में आ जाएगा। और ऐसे एक और एग्जांपल हमने लिया था, कौन सा एग्जांपल हमने एक और लिया था कि अगर वाई जो है, वाई की वैल्यू क्या है, अगर एक्स स्क्वायर कर देते हैं हम, या अगर कुछ कॉन्स्टेंट टाइम्स मान लीजिए टू एक्स स्क्वायर कर देते हैं हम, तो टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, डी वाई बाई डी एक्स में क्या आया था, टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ से जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाते हैं अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, हम लेंगे क्या लेंगे, अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स यानी डेल्टा एक्स, अ वेरी स्मॉल चेंज इन वाई डेल्टा वाई, और डेल्टा एक्स लेंगे और उसके कंपेरिजन में हमारा डेल्टा वाई निकल के आएगा, और डेल्टा वाई फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम निकालेंगे और लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। लिमिट क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, इसको भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका वैल्यू क्या आया था, टू इंटू टू एक्स ये आया था, और ये क्या बन जाएगा, फोर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था यहाँ से, जब ये टू एक्स स्क्वायर होगा तो क्या आया था, क्या आएगा हमारा, फोर एक्स। अब हम निकालेंगे एक जनरल फॉर्मूला, किसके लिए निकालेंगे, अगर x की पावर n है, जैसे यहाँ पे हम देखें पिछले एग्जाम्पल में, अगर हम देखें तो पिछले एग्जाम्पल में x की पावर 1 थी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना x की पावर 1 हो, यहाँ पे लिख सकते हैं, और इस वाले एग्जाम्पल में x की पावर 2 है ही, तो हम अगर x की पावर 1 2 रख के देखें तो हमारा ये वैल्यू आ रही थी। अब हम देखते हैं कि अगर x की कोई जनरल पावर लेते हैं, पावर n ले लेते हैं, तो उसमें क्या वैल्यू हमारी आती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एक दूसरा पेज ओपन करते हैं और हम लिखते हैं, अगर y की जो वैल्यू है वो x की पावर n है, n की कोई वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, -1, -2 ये सब के लिए चले गए। अगर x की ये वैल्यू है, ऐसा कुछ n की ऐसी वैल्यू कोई, ये n की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे ये n की वैल्यू है, अगर ऐसा कोई है फंक्शन तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो वही हमारा सबसे पहले, फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, अ वेरी स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स, मतलब एक्स में बहुत स्मॉल चेंज अगर आए तो क्या आएगा, वाई में चेंज इन वाई क्या होगा, अगर एक्स में छोटा सा चेंज आए डेल्टा एक्स, तो चेंज इन वाई क्या होगा, डेल्टा वाई। ठीक है, चेंज इन वाई इक्वल्स डेल्टा वाई, तो हमारा क्या आ जाएगा कि वाई में जब डेल्टा वाई का चेंज आया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक चेंज कब आया, जब एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज आया, और क्या था, एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज आया, टोटल वैल्यू की पावर एन है, ये तो है कि वाई क्या है, एक्स की पावर एन है, तो एक्स में अब डेल्टा एक्स जुड़ गया तो वाई क्या बन जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन। और वहां पे इसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि जब एक्स केवल था तब यहाँ के वाई आ रहा था, अब डेल्टा एक्स इसमें बढ़ गया है, उसकी पावर लग रही है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि डेल्टा वाई आएगा, वैसे जैसे पहले हम सब प्रोसेस करते थे फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए।
अब इसको जरा हम एक्सपेंड करते हैं। देखिए एक्स प्लस ये क्या है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन है यहाँ पे। अभी देखिए हमारे पास अगर वन होता तो इसको ऐसे लिख देते, एन की वैल्यू वन होती। स्क्वायर होता अगर सपोज फॉर एन इक्वल्स टू, अगर ये एन स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, इसका वैल्यू क्या हो जाता, अगर एन इक्वल टू है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर बन जाता ये, एन की वैल्यू टू रख देते और उसकी वैल्यू क्या आती, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ये वैल्यू आती। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है जो पावर है वो स्क्वायर नहीं है, वो एन है, एक जनरल वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एक छोटे से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारा है जो मैथमेटिक्स से यूज करते हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है कि मतलब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा हम सीख लेते हैं, थोड़ा सा एक हम बहुत ब्रीफ में जानेंगे, बाकी आप अपनी मैथ्स की क्लास में उसको डिटेल में समझ सकते हैं। हम ब्रीफ में समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, क्या बाइनोमियल थ्योरम यहाँ क्यों 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 हमें यहाँ पे काम है तो उसका हम थोड़ा सा एक रिविजन जैसा करेंगे। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि आपके अगर आपके पास दो फंक्शन दो वैल्यूज हैं दो वेरिएबल्स हैं, सपोज एक्स है और वाई है, एक्स प्लस वाई और उसकी पावर एन है, अगर ऐसी वैल्यू है एक्स प्लस वाई की पावर एन, ऐसी वैल्यू अगर है आपके पास तो इसका जो एक्सपेंशन होगा मतलब इसका जो अगर आप पावर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी एन सी जीरो एन सी जीरो एक्स पावर एन वाई पावर जीरो, ठीक, प्लस एन सी वन एक्स पावर वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई पावर एन वन, प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू एन वाई पावर टू, प्लस अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अभी हम देखते हैं एन सी, ये जो एन सी है ये क्या चीज़ है ये भी हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। एन सी जीरो हम लिख रहे हैं, एन सी वन लिख रहे हैं, ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है इसे हम सीखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए ये जो भी तरीके से लिखा जा रहा है इसमें एक पैटर्न है, यहाँ पे एन सी जीरो है, यहाँ पे एन सी वन है, यहाँ पे एन सी टू है, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे जीरो है तो एक्स की पावर एन है और वाई की पावर जीरो है, समझ में आया। एक्स की यहाँ पे जब सी का जो नीचे लिखा है, सी के नीचे वैल्यू क्या लिखी है जीरो, तो एक्स की पावर एन है और वाई की पावर जीरो है। जब यहाँ पे एन सी वन हो गया, एन तो वही है सी के नीचे वन हो गया, तो एक्स की पावर एन माइनस वन हो गई, एक्स की पावर में वन घट गया, तो यहाँ पे भी एक्स की पावर में जीरो घट गया, मान एन में से जीरो घट गया ऐसा मान सकते हैं ना। अगर x की पावर n लिखा है तो उसका क्या मतलब ले सकते हैं हम कि वो x की पावर n माइनस जीरो है। यहाँ पे देखिए x की पावर n माइनस वन हो गया और y की पावर वन हो गई, यानी कि जो यहाँ पे c के नीचे हम लिख रहे हैं उसी को x के पावर n में से माइनस करेंगे और उसी को y की सीधा पावर में रख देंगे, मतलब कि और अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ एन सी टू हुआ और x की पावर क्या हो गई। अब देखिए वही कि अगर एन सी टू है यहाँ पे एन सी टू है, थोड़ा क्लियरली इसको मैं लिख देता हूँ, एन सी टू जब है, जब यहाँ पे एन सी टू है एन सी टू तो ये क्या है एक्स की पावर एन माइनस टू और वाई की पावर टू यानी वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वन था तो एक्स की पावर में एन माइनस वन हो गया और वाई की पावर वन हो गई, यहाँ पे एन सी टू है तो एक्स की पावर में एन माइनस टू हो गया और वाई की पावर टू हो गई, तो इससे क्या समझ में आता है कि एक जनरल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, अब आगे बढ़ता ऐसे जाएगा, ये ऐसे सम बढ़ता जाएगा, कहाँ जाएगा अगले आप अगले देखिए, अगर जैसे यहाँ पे प्रेडिक्ट करना हो आपको कि आगे क्या होगा इसमें, आगे क्या होगा इसमें, तो आगे समझने के लिए हमें देखेंगे कि x की पावर n c यहाँ पे देखिए जीरो वन टू था, अब c के नीचे आपकी क्या आएगा, c के नीचे आपकी बार क्या आएगा एन सी थ्री, समझ में आ रहा है, c के नीचे थ्री आएगा, अब फिर x की पावर में क्या आएगा, x की पावर में n माइनस थ्री आ जाएगा और y की पावर क्या होगी, अंदाजा लगाइए थोड़ा पैटर्न से समझिए, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ पावर जीरो थी y की, n यहाँ पे n की जगह पे वन था तो y की पावर वन थी,
और n की जगह जब 2 हुआ तो y की पावर 2, तो उसी तरह जब n की जगह n के नीचे c के नीचे 3 है तो y की पावर क्या आ जाएगी 3। और ये ऐसा पैटर्न बनता जाएगा, ये कब तक जाएगा अब आप देखिए यहाँ पे, ये ऐसे होता जाएगा कि ये जो 1 2 3 है यहाँ पे c के नीचे जो लिखा है ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू कहाँ जाएगा एन तक जाएगा, ये एन तक की वैल्यू जाएगी। जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू क्या है 15 टर्म्स इसमें बन के आएंगे एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 ऐसे बनते बनते एन सी 15 तक जाएगा। एन का वैल्यू क्या है 15, तो क्या हो जाएगा 15 से 15 तक जाएगा। तो लास्ट वैल्यू क्या होगी इसमें, अब यहाँ से देखिए ज़रा कि अगर ऐसे बढ़ते जा रहा है तो लास्ट वैल्यू क्या होगी एन सी एन, लास्ट वैल्यू एन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जब बढ़ता चला जाएगा तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी एन 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एन तक जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे सी के नीचे एन हो गया तो एक्स की पावर क्या होगी जरा बताइए एन माइनस एन, यहाँ पे क्या हो रहा था सी के नीचे जो हो रहा था एक्स की पावर एन में से उतना माइनस हो जा रही थी। तो अब एन के एन जो यहाँ पे नीचे लिखा है सी के नीचे अब एन ही लिखा है तो एक्स की पावर एन माइनस एन हो जाएगी। एन माइनस एन क्या होता है जीरो, क्या होता है एन माइनस एन जीरो, तो एक्स की पावर जीरो। अब और वाई की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर वही जो c के नीचे लिखा रहता है y की पावर n, सिंपल यही है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम जो है उसका एक्सपेंशन, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो यही है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन का यही है। क्या है बाइनोमियल मतलब कि जहां बाई मतलब दो, और जब बाइनोमियल है तो मतलब यहां पे दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं अगर x और y और उनकी पावर n है तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, उसका पूरा अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या बन के आएगा एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस एन एन माइनस वन वाई की पावर वन, ऐसे करते करते एन सी एन एक्स की पावर जीरो और वाई की पावर एन, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब थोड़ा देखते हैं एन सी वन लिखा है एन सी जीरो लिखा है इसका क्या मतलब है, तो इसको हम जनरल वैल्यू एक में लिखता हूँ, यहाँ पे जीरो वन टू थ्री है तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ कि अगर अगर आपको दिया है एन सी आर, मान लीजिए आर वैल्यू दी है कोई वैल्यू है पे 1 2 3 आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कहाँ से जीरो से एन तक में आर की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं आर, आर जो है आर की वैल्यू क्या है आर ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और R जो है और लेस देन इक्वल टू n है, ये R की वैल्यू होगी यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो फार्मूला है मैथमेटिक्स में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कि मतलब अगर आप दो चीज़ का अगर कुछ चीज़ें हैं आपके पास n चीज़ें हैं और उनमें से R चीज़ों को सिलेक्ट करके आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो कैसे होगा, वो आपकी मैथमेटिक्स का पार्ट है। यहाँ पे मैं इसको सीधा खाली इसका ब्रीफली फॉर्मूला लिखूंगा क्या है इसका मतलब, एन सी आर अगर यहाँ कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। अब ये नई चीज क्या बन गया, ये तो उससे एन सी आर थोड़ा समझ में आ रहा था, ये आर ये जो ये ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन है ये थोड़ा और कंफ्यूज करने लगा। तो यहाँ पे समझते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगा है जिसको मैं फैक्टोरियल फिलहाल बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। देखिए इसमें ऐसे बढ़ते जा रहा है थोड़ा सा, आप जब इन अब जो अगला स्टेप है फैक्टोरियल, जैसे ही आप समझेंगे आपको फट से पूरी चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि एन सी आर क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे बनाया गया है, क्या मतलब जो एस सी हम लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, आपको तुरंत समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं चलिए, अगर R लिखा है यहाँ पे R फैक्टोरियल लिखा है या N फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, एक पॉइंट हमारा ये था, क्या हुआ था एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है और अगला पॉइंट जो होगा ये सब आपस में अभी मिलेंगे लास्ट में, अगला पॉइंट क्या है हमारा कि N फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। N फैक्टोरियल को आप ये देखिए N फैक्टोरियल इसको एक और तरह से लिखा जाता है कि ऐसे करके, ये ऐसे करके याद रखिए एंगल साइन से अलग अलग है, जो एंगल साइन हम ऐसे बनाते हैं दिख रहा है ना यहाँ पे एंगल साइन ये ऐसे बनाते हैं हम, ये दूसरी तरह से है, इसको हम ऐसे एक ऐसे ऐसे लाइन बनाते हैं एल की तरह से और उसके बीच में लिख देते हैं एन, ये भी है और ये तो दूसरा चीज है, ये और ये दोनों सेम है, ये क्या है एन फैक्टोरियल, इनको क्या बोलते हैं
इनको बोलते क्या है, एन फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल ऑफ एन, एन फैक्टोरियल इसे बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बस सिंपल सा ही होता है कि आपको एन को एन से स्टार्ट करना है और एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री ऐसे ले जाकर वन तक आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मतलब हुआ, एन की जगह पे एक वैल्यू रखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एन की जगह में क्या रखना है, मैं फाइव रखता हूँ एन की जगह पे। यहाँ पे मतलब मैंने क्या अभी बताया कि ये क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस फोर, और ये कैसे कहाँ तक जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वन, वन तक जाएगा। ठीक है, अब एन की आप वैल्यू रखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये रास्ते हमारे आ रहा है फैक्टोरियल, आप समझ गए, ये एन फैक्टोरियल इसे बोलते हैं। एन की जगह पे मैं लिखता हूँ एन इक्वल्स फाइव, अगर एन इक्वल्स फाइव है तो फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, है ना। समझते हैं एग्जाम्पल से ये फैक्टोरियल का क्या चीज़ है। फाइव फैक्टोरियल लिखे, अब हम अपने फार्मूले को देखते हैं, क्या कह रहा है कि एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, यही कह रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन की जगह फाइव इंटू एन माइनस वन, फाइव माइनस वन कितना होगा फोर, इंटू एन माइनस टू थ्री, इंटू एन माइनस थ्री टू, इंटू एन माइनस फोर वन। कहाँ तक गया ये देखिए ज़रा, ये कहाँ तक गया, वन तक। लास्ट में क्या लिखना है आपको, लास्ट वैल्यू जो होगी वन होगी। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर किसी n नंबर का फैक्टोरियल अगर लिखना है आपको, उसका मतलब ये है कि आपको वन से लेकर के उस नंबर तक आपको मल्टीप्लिकेशन जो टोटल आता है वो लिखना है। टेन फैक्टोरियल इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आएगा, फाइव फोर जार वन ट्वेंटी एंड वन ट्वेंटी थ्री जार सेवन ट्वेंटी नहीं थ्री सिक्सटी और थ्री सिक्सटी फाइव फोर जार ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री जार सिक्सटी और 62 जार 120, क्या आएगा 120। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई 120। तो अब फैक्टोरियल समझ में आ गया कि फैक्टोरियल क्या होता है, कि आप अगर आपको 10 फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ 10 कैसे निकालेंगे, आप 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, 10 तक चले जाइए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये 10 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल निकालना है, 8 ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 8, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। समझ में आई बात, फैक्टोरियल क्या है कि आप उस नंबर से स्टार्ट कीजिए 1 तक ले जाइए, या आप 1 से स्टार्ट कीजिए वहां तक उस नंबर तक ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। ये हुआ फैक्टोरियल का मतलब, समझ गए। अब फैक्टोरियल का मतलब समझ आ गया, वहां पे अब यही यूज करना है हमें, क्या लिखना है। जैसे अगर आपको दिखा है यहाँ पे, आपको यहाँ पर जैसे पूछा है कि NCR है, तो NCR का क्या मतलब है, NCR का मतलब यही है कि आप n का फैक्टोरियल कर लीजिए, मतलब n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे आगे चला जाएगा, मैं इसे आगे नहीं लिखूंगा। ये फैक्टोरियल कर लीजिए कहाँ तक, वन तक मल्टीप्लाई करना है आपको, और नीचे क्या रहेगा, r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल का, NCR का फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं किसका, एक एग्जाम्पल लेंगे हम, किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, NCR, एग्जाम्पल ऑफ NCR, NCR का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, n इक्वल्स चलिए लेते हैं 3, r इक्वल्स क्या लेते हैं, अब देखिए NCR अगर दिया है तो r की वैल्यू हम चलिए कुछ नहीं, चलिए n r की वैल्यू 1 ले लिए। आप इस फॉर्मूले पे फिट कीजिए इसको, फॉर्मूला क्या है हमारा, यही एन सी आर की वैल्यू क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिट कीजिए फॉर्मूले पे, थ्री फैक्टोरियल क्या निकालना है हमें, थ्री सी वन, क्या आएगा इसकी वैल्यू, थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल यानी वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर यानी टू फैक्टोरियल। क्या आएगा ये, थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन वन, क्योंकि वन का फैक्टोरियल क्या होगा, ध्यान दीजिए ज़रा, वन का फैक्टोरियल क्या होगा,
वन से स्टार्ट कीजिए, वन पे पहुंचना है, वन पहुंच गए तो वन का फैक्टोरियल वन। जीरो का फैक्टोरियल ये आपको स्पेशल केस से याद रखना पड़ेगा, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है। कैसे होता है, सिंपल सी बात है, जीरो का फैक्टोरियल मतलब ये कि आप किसी नंबर को सीधा जीरो टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जीरो का फैक्टोरियल, जीरो को आप स्टार्ट करना है आपको और वन जो जीरो से लेकर के, जैसे आप इसको जीरो अगर लिखना चाहें, दिखाता हूँ मैं आपको, अगर जीरो लिखना चाहें तो जीरो फैक्टोरियल है, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन सीधा। अगर आपको जीरो फैक्टोरियल लिखना है तो सीधा उसका वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं NCR में जो हम देख रहे थे, तो 3C1 का एग्जांपल, 3C1 तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1, अब इसका 1 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1, ठीक, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, 1 का वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ होता ही नहीं है, आएगा 3, तो N3C1 की वैल्यू क्या आ गई, 3। समझ में आ गया, आया है समझ में कि NCR का मतलब क्या होता है, NCR का मतलब यही होता है कि आप n फैक्टोरियल कीजिए और उसको n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। थोड़ा मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ, यहाँ से r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक, ये होती है NCR की वैल्यू। अब आपको यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन में। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या करता है कि अगर x प्लस वाई की पावर n है तो उसको आप क्या बना देंगे, एन सी जीरो एक्स पावर n वाई पावर जीरो, एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, और एन सी टू एक्स की पावर टू वाई एक्स की पावर n माइनस टू और वाई स्क्वायर, ये हम बना देंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा जो होगा हम इसमें यूज़ करेंगे। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन हमको आ गया, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया तो हम अगले उस पर चलते हैं, अगले पिछला वाला जो हम अभी सॉल्व कर रहे थे, क्या सॉल्व कर रहे थे, ये x प्लस डेल्टा x की पावर n, इसको निकाल रहे थे हम, और हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करते हैं, नया पेज ओपन करते हैं, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, सिंपल सा, बस थोड़ा सा बचा है, अब तो सब यू हो गया। क्या था हमारा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन, यही वैल्यू आई थी ना, इसको क्या लिख सकते हैं, एन सी जीरो एक्स की पावर एन इंटू डेल्टा एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स की पावर वन, ठीक है, प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू डेल्टा एक्स की पावर टू, प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस एन यानी एक्स की पावर जीरो हो जाएगी और डेल्टा एक्स की पावर क्या हो जाएगी, वन एन हो जाएगी, और एन सी वन की जगह पे जो एन सी होता है ये बन जाएगा एन सी एन, एन सी एन बन जाएगा ना, क्या आएगा, एक्स की पावर जीरो इंटू डेल्टा एक्स की पावर एन, ये वैल्यू आ जाएगी लास्ट। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, एन सी जीरो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ज़ीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस यानी एन फैक्टोरियल, है ना, n माइनस आर यानी आर जीरो है तो n फैक्टोरियल हो गया ना, और x की पावर n और डेल्टा x की पावर जीरो है यहाँ पे, डेल्टा x की पावर यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, डेल्टा x की पावर क्या है यहाँ पे, जीरो, और किसी की पावर जीरो होती है तो वन होती है तो डेल्टा x यहाँ पे आएगा ही नहीं, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस अपॉन r फैक्टोरियल यानी वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक, और यहां पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस वन, और डेल्टा एक्स की पावर क्या हो जाएगी, वन, ठीक, बस सिंपल सा स्टेप है, आपको बस सिंपल सा समझना है कि आपको बस एनसीआर जहां आया वहां पे आपको एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ये लगा देना है,
फैक्टोरियल आपको पता ही है कि आप n का फैक्टोरियल अगर निकालना है आपको, तो n से जाइए, n से आप 1 तक जाइए, n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, बस ये n cr की वैल्यू होगी। और यहाँ पे बस उसको फॉर्मूले में यूज कर रहा हूँ मैं, बस यहाँ पर मैं एक ऐसे डिवाइडर पर लाइन बना देता हूँ, यहाँ से इसके आगे कर रहे हैं नीचे, अब बस इसको यूज करते जाना है हमको। डेल्टा एक्स की पावर n, डेल्टा एक्स की पावर क्या हो गई, 1 हो गई, प्लस और एक टर्म, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर n माइनस 2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, प्लस सिंपल सा, बस वही हम टर्म्स बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन सी एन, एन सी एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन सी एन, अब एन के आर है, आर की जगह पे क्या आ गया, एन आ गया, अब तो आर की जगह पे एन यानी एन फैक्टोरियल, और फिर वही एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर, आर क्या है, एन है यहाँ पे, तो एन माइनस आर बराबर जीरो हो जाएगा, एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, एक्स की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, एन माइनस एन यानी एन माइनस एन जीरो होता है, और डेल्टा एक्स की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, एन हो जाएगी। अब जरा यहाँ पे देखिए, हमने अभी पिछले जब सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि डेल्टा एक्स चेंज हुआ, अगर एक्स में जो चेंजेस आए हैं वो कितने आए हैं, डेल्टा एक्स आए हैं, और डेल्टा एक्स को क्या माना गया था, बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटी सी वैल्यू है जो जो एक्स में चेंज हुई है। जैसे उसके एग्जांपल मैंने दिया था डेल्टा एक्स का, क्या आया था कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब 0.00 करके हम बहुत सारे जीरो को 1 लिख दिया था, कि मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। अब आप सोचिए, जब एक्स, ये डेल्टा एक्स इतनी छोटी वैल्यू है, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर कितना छोटा होगा, स्क्वायर, आप एक चीज ध्यान रखिए, एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, जान लीजिए, जहाँ जहाँ आपको नई चीज़ समझ में आ रही हैं वो बेसिक्स हैं, जो आप अभी तक छूट गया था किसी वजह से, या आपको अब जो है आपको आगे चलने के लिए जानना पड़ेगा, आपको ध्यान में रहेगा, जब आपको चीज़ें पता रहेंगी बेसिक, कि कैसे होता है, एन सी आर क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, तो वहाँ पर आपको और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एन सी आर वाला हमारा चल रहा था, कि ये जो बेसिक में एक और देख रहे थे, क्या हुआ था हमारा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n, हम कह रहे थे कि डेल्टा x अगर बहुत छोटा है, हम क्या कह रहे थे कि अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो डेल्टा x के स्क्वायर और भी छोटा होगा। कैसे, ज़रा एक एग्जांपल इसका लीजिए, हम अभी बहुत छोटा नहीं, नॉर्मल सा लेते हैं डेल्टा x, एग्जांपल लेते हैं डेल्टा x की वैल्यू, एक छोटी वैल्यू लेते हैं, सपोज 0.5, बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, हम दिखाते हैं कि अगर इतनी छोटी वैल्यू तो कितना अंतर आएगा, 0.5, तो डेल्टा x के स्क्वायर कितना होगा, ज़रा निकालिए, कितना होगा भाई, 0.5 इंटू 0.5 क्या आएगा, 0.25। अब जरा देखिए 0.5 में कितना अंतर है, 0.25 इसका हाफ है। तो अगर कोई वैल्यू, ये छोटी सी एक बेसिक आइडेंटिटी है, कि अगर x जो है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो x की पावर स्क्वायर हम कर लें, x की पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक, अगर x की वैल्यू इससे बड़ी है 1 से, तो उसका जो पावर होगा वो, अगर कोई भी पावर आप लगा दें, n की वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये किस लिए है, n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर ऐसा वैल्यू कोई आ रहा है तो x की पावर जो है आप कोई भी ले लीजिए वो x से बड़ी ही होगी, लेकिन बट इफ x इज लेस देन 1, अगर x जो है वो लेस देन 1 है, एक से कम है, एक से छोटा है, तो यहां पे मामला उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि x की पावर n आप कुछ भी ले लीजिए वो लेस देन x आएगा हमेशा। एग्जांपल हमने अभी यहां पे देखा, ये 0.5 है, 1 से कम है, हाँ बिल्कुल कम है, और 1 से कम हुआ तैसे क्या हुआ कि जैसे ये 1 से कम वैल्यू आई उसकी वैल्यू हाफ हो गई इसके स्क्वायर, और एक छोटी वैल्यू लेते हैं, अब देखिए एक और छोटी वैल्यू लेते हैं, क्या 0.25 का स्क्वायर लेते हैं, चलिए क्या लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं, एक और एग्जांपल क्या लेते हैं कि
कि इफ x इक्वल 0.25, ये उससे भी छोटी वैल्यू है, तो x स्क्वायर क्या होगा? अगर ये 0.25 है तो x स्क्वायर क्या होगा? 0.25 × 0.25, वही 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625, क्या आएगा? 0.0625। देखिए अब ये 0.25 था, इसका स्क्वायर कितना छोटा आ गया, 0.0625, हाफ भी नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है कि इफ अ वैल्यू, इफ अ वैल्यू x इज लेस देन 1, देन द स्क्वायर ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब यहाँ पे देखिए, इस पे तो हमने छोटा सा थोड़ा सा कम किया था, यहाँ पे पुराने एग्जांपल में जो देख रहे थे डेल्टा x जो वैल्यू है हमारी, वो तो बहुत छोटी वैल्यू हम मान रहे थे। क्या कर रहे थे? डेल्टा x बहुत छोटी वैल्यू है, डेल्टा x इज वेरी स्मॉल वैल्यू, डेल्टा x वेरी लेस देन 1। तो डेल्टा x का स्क्वायर जो होगा वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल आ जाएगी। नेग्लिजिबल मतलब ऐसी वैल्यू जिसको नगण्य बोलते हैं हिंदी में, जिसकी गणना करना यानी जिसको कंसीडर करना कोई काम का नहीं है, यूजलेस है हमारे लिए, वो हमारे वैल्यूज को अफेक्ट करेगी ही नहीं। जैसे कि अगर आप छोटा सा वैल्यू लें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है, मान लीजिए भार आप निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, मास निकाल रहे हैं, एम इक्वल्स कितना है मान लीजिए, अगर किसी का मास निकाल रहे हैं तो ये 25 kg है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा और एक्यूरेट और चीज़ लें, कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें जो और बहुत एक्यूरेसी से नाप रहा हो, और उससे वैल्यू क्या आ रही है, 25.000001 सपोज kg, तो आप क्या ये मानेंगे 0.025.00001? इतना लिखेंगे नहीं, उसको सिंपल हम 25 के बराबर मानेंगे। मतलब ये जो वैल्यू हमारी हुई वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, नेग्लिजिबल वैल्यू है, उसको हम छोड़ सकते हैं। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कि डेल्टा एक्स जब है वो चूंकि एक से बहुत छोटा है, वन से कम है, तो डेल्टा एक्स का जो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या पावर फोर होगी, वो तो वन से बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे, इतने छोटे कि उनको हम छोड़ सकते हैं। तो लिखते हैं इसको, सिंस जो डेल्टा एक्स है इज वेरी लेस देन वन, हाँ इज लेस देन वन, डेल्टा एक्स इज लेस देन वन, ठीक। ये क्या इंप्लाई करता है कि डेल्टा एक्स जो है इसका स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन वन। मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूँ दिखाने के लिए, बहुत ही छोटा है, लेस देन के कई साइन, लेस देन वन। और डेल्टा एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, वो तो और भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा, सो हायर पावर्स डेल्टा एक्स आर नेग्लिजिबल। ये क्या यहाँ पे शो करता है कि चूंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा वैल्यू है, तो डेल्टा एक्स की जो हायर पावर्स होती हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, एकदम उनको हम छोड़ सकते हैं। हायर पावर्स का मतलब क्या है, यहाँ जहाँ तक हमारा डेल्टा एक्स चला है, क्या है, जहाँ पे डेल्टा एक्स हमारा वन तक आया है, पावर वन, वहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे जहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर हो रहा है, आगे डेल्टा एक्स क्यूब होगा या डेल्टा एक्स की पावर एन होगी, उन वैल्यूज को हम छोड़ सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यूज हैं। तो वो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, हमारा क्या बन के आएगा, यही बन के आएगा कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन जो होगी वो केवल इतनी ही रहेगी, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन, डेल्टा एक्स जो थी डेल्टा एक्स की पावर जीरो हो तो वैसे ही वन हो जाती है, प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और एक्स की पावर एन माइनस वन और जो डेल्टा एक्स है उसकी पावर, डेल्टा एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, जरा देखिए डेल्टा एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वन, ठीक है, डेल्टा एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, वन। और यहाँ पे हमें पता है कि जब डेल्टा एक्स की पावर वन हो जाएगी, सिंपल सी है, जब डेल्टा एक्स की पावर जो है यहाँ पे वन हो जाएगी, तो आगे वाले टर्म्स को हम इजीली छोड़ सकते हैं, इजीली आगे वाले टर्म्स को हमने ड्रॉप कर दिया कि उनकी जो वैल्यू होगी हमारे लिए यूजलेस है, इस एक्सप्रेशन में उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब वहाँ पे फैक्टोरियल वाला काम हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है, ऐसे तो जाएगा,
अपॉन ये कहां तक जाएगा इनटू वन, ये कहां तक जाएगा वन तक जाएगा। अपॉन जीरो फैक्टोरियल तो वन होती ही है, और एन फैक्टोरियल फिर क्या हो जाएगा एन इंटू, अब यहां पे देख लीजिए यहां पे ये सब लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल अपने आप क्रॉस आउट हो जा रहा है, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल अपने आप क्रॉस आउट हो जा रहा है, केवल जीरो का बचा रहा है जिसका वैल्यू वन होता है। तो इसको हम टोटल क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर एन, ठीक है एक्स की पावर एन लिख सकते हैं हम यहाँ पे एन इंटू एन पावर एन यानी एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल यहाँ पे जीरो था यानी इसकी वैल्यू वन होगी, एन माइनस आर यानी एन फैक्टोरियल, ठीक है एक्स की पावर एन प्लस डेल्टा एन ओ एन पावर एन फैक्टोरियल यानी एन इंटू एन माइनस। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे फाइव फैक्टोरियल है उसको हम क्या लिख सकते हैं फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अच्छा फोर फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, फोर फैक्टोरियल को लिखेंगे फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो क्या हम फाइव फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, क्योंकि जो फोर फैक्टोरियल है जैसे यहाँ पे देखिए लिख के हम समझते हैं फाइव फैक्टोरियल क्या होता है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, हाँ और ये जो वैल्यू है फोर इंटू थ्री इंटू वन फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये क्या है, ये तो फोर फैक्टोरियल खुद में ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। समझ में आया कि मतलब उसके आगे की वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक कि एन का एन फैक्टोरियल हमें निकालना है तो ये एन माइनस वन एन माइनस टू तक जाएगा ही, एन माइनस वन लिख दिए आगे से एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपने आप वन तक चला जाएगा। तो वैसे ही एन का फैक्टोरियल क्या होता है एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए फिर से अपने पुराने वाले पे आते हैं हम, फिर जहाँ पे यूज कर रहे थे एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल था ना हमारा, हमने लिख दिया उसको एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल, बस यहाँ भी ये क्रॉस आउट हो गई वैल्यू और क्या आई इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन और डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स की पावर वन थी, बाकी पावर को हमने ड्रॉप कर दिया वो हमारे लिए नेग्लिजिबल थी। ये वैल्यू हमारी फाइनल क्या आ गई एक्स की पावर एन प्लस एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वैल्यू कट गई यहाँ पे केवल यहाँ पे एन बचा है हमारा, तो एन इंटू एक्स पावर एन प्लस हाँ एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारी वैल्यू आ गई x प्लस डेल्टा x की पावर n, ठीक। अब जरा देखिए ये वैल्यू हमारी है x प्लस डेल्टा x पावर n, और ये क्या था अभी हम पूरा बाइनोमियल थ्योरम वगैरह समझे, ये क्या था y प्लस डेल्टा y था, ये y प्लस डेल्टा y की वैल्यू आई थी x प्लस डेल्टा x की पावर n, और हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है अपना पूरा मैथ्स का फॉर्मूला लगा करके कि x प्लस डेल्टा x की पावर n क्या होगी x पावर n प्लस n इंटू x पावर n माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स, ये होगी। रखते हैं इसको इसको अपने वैल्यू में रखते हैं, क्या रखेंगे दिस इंप्लाइज दैट वाई प्लस डेल्टा वाई क्या है एक्स पावर एन प्लस एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स। अब हमें यह प्रोसेस अपना पुराना याद कीजिए, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है डेल्टा वाई केवल, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स माइनस वाई को हम इस साइड ट्रांसपोर्ट कर दिए ट्रांसपोज कर दिए तो क्या होगा माइनस वाई, और यहाँ देखिए एक्स पावर एन तो है ही प्लस एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स तो है हमारे पास, ये वैल्यू है वाई क्या था, वाई क्या था हमारा वाई की वैल्यू जरा देखिए यहाँ पे वाई क्या दिया है पहले से ही हमारा फंक्शन ही तो यही था वाई इक्वल्स एक्स पावर एन, वाई की जो वैल्यू थी हमारी वो x पावर n थी हमारी, तो y की जगह पे हम वही लिख देते हैं y की जगह वही लिख देते हैं माइनस y था तो इसको हम क्या लिख देंगे डेल्टा x, यहाँ पे हमारा डेल्टा x था माइनस y की क्या लिख दें x पावर n, बस खत्म x पावर n और माइनस x पावर n तुरंत कट गए, एक दूसरे के अपोजिट है अपोजिट साइन है सेम मैग्नीट्यूड थर्ड लॉ का यूज कर दिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ये प्लस थ्री था वो माइनस थ्री हुआ काम खत्म।
क्या बचा यहाँ पे हमारा, एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स, ये वैल्यू क्या आ गई हमारी डेल्टा वाई। ठीक, जरा क्लियरली देख लीजिए इसको, वहां से शुरू किए हम, कहाँ पहुंच गए, डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब फिर से याद कीजिए पुराना अपना स्टेप, पुरानी वीडियोस में डिस्कस्ड है। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स रेशियो निकालना है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, ये क्या आएगा एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्या आ गया एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या था, अगला स्टेप क्या था हमारे पास, अगला स्टेप ये था कि एन की जो डेल्टा एक्स है उसकी हम लिमिट लेंगे। लिमिट क्या लेंगे कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है जीरो के एकदम बहुत पास में है। तो क्या लेंगे, यहाँ पे हमने लिखा टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमने लिया बराबर करने के लिए, इस तरफ हमने लिमिट लिया तो उस तरफ भी लिमिट लिया। तो क्या हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इस पर लिमिट लग गई हमारी, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, मतलब जीरो के बहुत पास में है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इधर भी लिमिट लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। अब जरा मजेदार चीज यहाँ पे है कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो नहीं चाहे जो कर दो हमें कोई मतलब नहीं, ये पार्ट क्या कह रहा है हमें कोई मतलब नहीं, आप जीरो टेंड ना कराइए, कोई भी वैल्यू टेंड करा दीजिए, हमारे पास डेल्टा एक्स है ये नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे पुलिस आई कि हमारे पास, अगर आपके पास ये पर्टिकुलर चीज होगी तो आपको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप ये नहीं कुछ भी ना हो, अगर आप जैसे कहते हैं कि वहाँ पे घर में कुछ होगा, जिसके पास घर ही नहीं है, जरा सोचिए थोड़ा, जिसके पास घर ही नहीं है, आप घर के लिए कोई भी चीज ढूंढिए कि घर में आपके अगर ये दवा होगी या ये केमिकल होगा या ये वेपन होगा तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। जिसके पास घर ही नहीं है उसके पास वेपन निकलने कोई चांस ही नहीं है। अब डेल्टा एक्स के लिमिट हम लगा दिए जीरो का, इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसमें डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो ये एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट है उसके लिए, मतलब जो ये लिमिट है उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। समझ में आई बात, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर एक्स को हम 10 बना दें, एक्स को अगर हम 10 बना दें तो हमारा पी पर क्या वैल्यू असर पड़ेगा, क्योंकि पी में एक्स का वैल्यू कोई है ही नहीं, पी का एक्स से कोई मतलब ही नहीं है, तो पी की जो वैल्यू है पी की वैल्यू बनी रहेगी, पी की जो वैल्यू है वो पी की बनी रहेगी। तो सिंपल, ये लिमिट हम यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ले रहे हैं, यहाँ पे इस लिमिट का इस पर कोई असर ही नहीं हुआ एक्सप्रेशन पे, और ये हमारा एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, ये जो टोटल एक्सप्रेशन है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या आता है हमारा, क्या आता है, बस वही जो हम निकाल रहे हैं तब से डिफ्रेंशिएट करने का, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू क्या आएगी एन एक्स पावर एन माइनस वन। क्लियर, एक बार आपको रिवीजन करना होगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, अभी मैं दिखाता हूं, एक बार हम देखेंगे पूरा डिवाइस करके, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पे किस लिए आया, यहाँ पे क्या वैल्यू आई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में कि y क्या था x पावर n, तो अगर y x पावर n है तो जनरल वैल्यू है हमारी, 1 2 नहीं है x की पावर में, सीधा n लिख दिया हमने कि कोई भी वैल्यू आप डाल दीजिए, कोई पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू, n की वैल्यू अगर हम डाल दिए यहाँ पे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होगा वो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन हो जाएगा, ये जनरल वैल्यू हमारी आ गई। क्या किया हमने, बस सिंपली जहाँ पे अपना जो हमारा फॉर्मूला था उसको लिखा हमने, हमारा जो फॉर्मूला था y इक्वल टू एक्स पावर n था, और डी हमने क्या निकाला कि x में छोटा चेंज किया डेल्टा x, तो y में चेंज क्या आ गया डेल्टा y, डेल्टा y प्लस डेल्टा y करके पूरा हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया। आप चाहें तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख सकते हैं, और फाइनली हमारा जो कैलकुलेशन करके आया dy by dx n into x power n minus 1 आया। इसी तरह से आपके पास कोई भी फॉर्मूला, अभी देखें हमने 2-3 फंक्शन सॉल्व किए, x था अगर x y इक्वल टू x था, y इक्वल टू 3x² + 2 था, y इक्वल्स x² था, y इक्वल्स 1 था, कि अगर इसमें x की कोई वैल्यू ही ना हो, तो वहां से हमें सबका निकाला।
ऐसे ही आप एक्सपेंशन करके जो x प्लस डेल्टा x की पावर में आता है, x प्लस डेल्टा x के फंक्शन में आता है, एक्सपेंड करके आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक पूरा डिफरेंशिएशन का। आइए हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि ये तो बेसिक हमारा है ही, ये तो हमारा बेसिक है, हम जरा देख लेते हैं अपना पुराना वैल्यू का कि ऐसे ही एक्सपेंशन कर करके सारे फॉर्मूले से जितना भी फंक्शन से ज़्यादातर सबका वैल्यू निकाला गया है, सबको फॉर्मूले बने हैं, आप उनको एक बार हम रिवाइज एक बार देख लेते हैं, एक बार एक नज़र जरा देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, जैसे हमने अभी बेसिक फॉर्मूले सब यूज़ करके अपने जो बेसिक अपने दो तीन फॉर्मूले अभी निकाले हमने, एक्स पावर एन का जो जनरल वैल्यू होता है बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके उसे भी निकाला। अब हम देख लेते हैं जो कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बने हैं पहले से, जैसे कि एक क्या बना है हमारा, ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ के, डी बाई डी एक्स मतलब ये जो के यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वाई आप लिख सकते हैं कि मतलब अगर वाई की वैल्यू के है, मतलब सम कांस्टेंट वैल्यू, अगर जब से वाई की वैल्यू हम एक्स लिखते थे, अगर एक्स ना लिए कोई कांस्टेंट लिख दे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। आप उसको लिखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का आप यूज करेंगे, आपको पूरा वैल्यूज आएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन है एक्स के, जैसे अभी एक फंक्शन हमारे पास केवल एक्स स्क्वायर होता था या थ्री एक्स होता था, यहाँ पे दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, उनका नाम दे दिया गया है, उसका वैल्यू क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये ध्यान देना है कि जो एफ डैश एक्स है इसका मतलब यही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जैसे हम लिखते थे ना, अब एफ एक्स क्या है, वाई है, तो ये क्या लिख जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वाई है। तो इसको लिखने का एक तरीका क्या है कि आप डी डैश वाई लिख दें, ठीक, या डी डैश ऑफ एफ एक्स लिख दें, बस। तो अगर ये फॉर्मूला आया, ये देखिए क्लियर करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमारा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, मतलब अगर आप दो फंक्शन हैं आपके पास, उनका जो टोटल का डिफरेंशिएशन है वो उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन का सम या डिफरेंस आ जाएगा, इंडिविजुअल आप उनको डिफरेंशिएट कर दीजिए और उनका सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, वही आपकी फाइनल वैल्यू आएगी, के इंटू एफ एक्स के इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ, और यहाँ पे देख लीजिए आगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स और जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। आप इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं, ये एज अ होमवर्क है आपके लिए। और डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर देखिए अगर अभी तो फंक्शन का हमने डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का देखा कि एफ एक्स और जी एक्स का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, जी डैश एक्स और प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अगर वही हमारा डिवीजन में हो कि अगर एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जैसे पुराने वैल्यू में आ रहा था, यहाँ पे पहले हम जो सेकेंड फंक्शन है उसको नहीं करके फर्स्ट फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। ये एग्जाम्पल्स आप करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाए कैसे हो रहा है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इनको सबको निकाल लीजिए, सबको आपको समझ में आ जाएगा निकालने का। एक और कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब अगर जी एक्स एक एक्स का फंक्शन है और पूरे का एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। अभी ये जो हमने अभी किया है, ये देखिए अभी हमने जो किया है ये वाला डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, अभी हमने इसको जस्ट किया है बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ गए, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स, sec x क्या होगा sec x tan x, और cosec x का क्या होगा माइनस ऑफ cot sec x into cot x। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं। और d by df और dx of e power x, e क्या है एक जो कांस्टेंट है आयलर्स कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, वैल्यू क्या होती है e की वैल्यू क्या होती है हमारी पता होगा, e की वैल्यू क्या होती है लगभग ये होती है 2.303 करके आगे वैल्यू कुछ होती है, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो आगे e के जो e की वैल्यू हमारी आगे मिलती जाएगी। तो d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x क्या होगा e पावर x होगा, उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है a यानी 3 पावर x मान लीजिए है,
उसका वैल्यू क्या आएगा, ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ एक्स क्या आएगा, वन बाई एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले थे, इन सारे फॉर्मूले को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और इनको आपको नोट्स में जो वीडियो की लिंक में फॉर्मूला आपको ये शीट दे दी जाएगी, वहां से आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके इनको देख लीजिए।